शेखपुरा विधानसभा क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल गडरवास ने नगर देवरी में किया जनसंपर्क। जनसंपर्क के दौरान कई लोगों ने कांग्रेस की ली सदस्यता। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रत्याशी रात दिन जनसंपर्क में लगे हुए हैं और मतदाता का रुझान अपने पक्ष में करने में लगे हुए हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की मतदाता से अपील कर रहे हैं। इसी के चलते नगर देवरी में क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल ने सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं के साथ नर्मदा कॉलोनी से जनसंपर्क शुरू किया। कांग्रेस कार्यकर्ता बराबर जनसंपर्क में साथ रहे और कार्यकर्ताओं की तादाद लगातार बढ़ती रही। 12:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक नगर का भ्रमण कर जनसंपर्क किया। संपर्क के दौरान कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और जगह जगह देवेंद्र पटेल का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। कई वार्ड के लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। देवेंद्र पटेल ने कहा, इन समस्याओं का निराकरण मैं वादा करता हूं, सरकार बनने के बाद इनका निराकरण किया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल ने आने वाली 17 तारीख को अपने पक्ष में मतदान करने की मतदाताओं से अपील की और उन्होंने कहा, पूरी विधानसभा में जो लाड़ प्यार मुझे मिला है, मैं पूरी विधानसभा का आभारी हूँ। मेरी विधानसभा मेरा परिवार है और परिवार की सेवा करना मेरा फर्ज है। यदि हमारी सरकार बनती है तो मैं विधानसभा में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष कविंद्र रघुवंशी क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल के साथ जनसंपर्क में रहे और उन्होंने भी अपनी कांग्रेस पार्टी एवं क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल गडरवास के पक्ष में मतदान करने की जनता से अपील की। कविंद्र रघुवंशी का कहना है, भाजपा कुछ लोगों की राजनीति खत्म करना चाहती है, इसलिए उसने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को विधानसभा चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन कांग्रेस की सरकार इन नेताओं को भी हराकर पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस। अविंद भाई, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री और सांसदों को मैदान में उतारा, क्या कांग्रेस पार्टी इन दिग्गज नेताओं को हराकर मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना पाएगी क्या? जहां तक इनके हराने की बात है, ये सारे के सारे नेता हार रहे हैं, ये बिल्कुल तय है। और भाजपा ने सेंट्रल में जो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, उन्होंने रिटायरमेंट का ये नया तरीका निकाला है। जब अडवाणी जी को उन्होंने घर बैठा ला, मुरली मनोहर जोशी जी को घर बैठा ला, तो कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में एक असंतोष उभरा और असंतोष के कारण लोगों को ये लगा कि भैया ये तो इतने बड़े नेताओं को दरकिनार कर दिया। तो भाजपा ने ये नया तरीका निकाला है रिटायरमेंट का। अगर ये जीतते हैं तो विधायक बन के यहाँ ख़त्म हो जाएंगे और हारते हैं तो इनको, जब विधायक का चुनाव हार गए तो दिल्ली में इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, यह तय हो जाएगा। इस प्रकार से इनको कुल मिला के इनको रिटायर कर दिया और अब ये आगे की राजनीति के लिए इनका चैप्टर खत्म है। अच्छा सर, दूसरा सवाल आपसे, ये कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी लहर बता रही है और कांग्रेस के प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनेगी और बीजेपी दावा कर रही है कि हर संभव प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनेगी। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस 150+ आएगी और आने वाले समय में कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक बहुत मजबूत और सशक्त सरकार बनने जा रही है। जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या भाजपा ने पैसे के दम पर की थी पिछले चुनाव के बाद, हमारे विधायकों को तोड़फोड़ की थी, उनको दबा के डरा के धमका के पैसे के दम पर ले गए, अब उससे जनता पूरी तरीके से अलर्ट है और जनता इतना बड़ा बहुमत दे रही है कि भाजपा को चारों खाने चित होना पड़ेंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। सर, इससे पहले उदयपुर विधानसभा में कई लोग कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं, क्या वो भाजपा की लहर देख के सदस्यता ले रहे हैं? भाजपा की लहर देख के, भाजपा की कोई लहर नहीं है, कांग्रेस की लहर है। वो इसलिए सदस्यता ले रहे हैं कि भाजपा की जो कुशासन है, भाजपा की जो नीतियां हैं, उनसे कहीं ना कहीं वो दुखी हैं और उनको लग रहा है कि जनता के हित में भाजपा काम नहीं कर रही, इसलिए वो कांग्रेस की सदस्यता ले रहा है। और हम उन सबका बहुत स्वागत करते हैं कि उन्होंने
लोकतंत्र की मजबूती ली, की देश की मजबूती ली और क्षेत्र की मजबूती के लिए कांग्रेस के सदस्य हैं। तो क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल के बारे में आपका कहेंगे, वो चुनाव जीत रहे हैं क्या? निश्चित रूप से उदयपुरा विधानसभा में देवेंद्र पटेल जी चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे मतों से चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।